हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ WBJEE PUM DET के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर इस। देन आपको इसमें टाइप करना है WBJEE PUM DET 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको WBJEE से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पे जो आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है WBJEE PUM DET 2023 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, 31 जन को स्टार्ट हो चुका था। एंड देन यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्ट कोर्स, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट वी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे आप नोट ऐप में ओपन होगा, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट कोर्स एंड देन आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज दिया गया, आपको उस टेक्स्ट को टाइप करना है। आई एग्री पे क्लिक करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जो है आप नोट ऐप में ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर जो है आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऐसे कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड रिलीजन, कास्ट कैटेगरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं। देन आपको जो आपको अपने पर्सनल पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपने फादर का नेम, मदर नेम, देन उनका जो आपको ऑक्यूपेशन बताना होता है एंड देन आप फ़ोन नंबर देना होता है, ईमेल आईडी बतानी होती है। ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको जो है आपको अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना होता है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में ऐसे कि आपको जो है 10th एंड 12th का परसेंटेज बताना होता है, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट किया था वो बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से एंड कौन सी ईयर आपने कंप्लीट किया था। ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको जो है अपने 10th एंड 12th का जो है मार्कशीट देना होता है एंड फोटो देना होता है JPG PNG फॉर्म में, देन सिग्नेचर करना होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ भी आगे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।